हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिश रेसिपी बता रहे हैं जो कल हम लेके आए थे वो। तो उसे पहले हम इसे क्लीन करते हैं फिश को और साइड में रख देते हैं। इसका दोनों साइड में स्किन निकल के कट करके रख देते हैं। ये फिश साफ करके रख दिया है यहाँ पे। अभी हम मसाला के लिए रेडी करते हैं। यहाँ पे लिया मिर्ची और धनिया, लहसुन, जीरा, मेथी, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, कांदा और इमली, नारियल। इसे सब ग्राइंडर में डाल देते हैं ग्राइंड करने के लिए। अभी ये ग्राइंड हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है। फिश करी में डालने के लिए हमने रेडी किया है कांदा, मिर्ची और अदरक और यहाँ पे मसाला का पानी। पहले हम रखते हैं गैस पे मसाला का पानी और इसमें जो कट किया वो कांदा, मिर्ची और अदरक डालते हैं। एक छोटा सा बॉयल आते ही उसमें हम डालेंगे मसाला। यहाँ पर हम डालते हैं मसाला। और इसमें थोड़ा सा पतला करने के लिए मसाला का पानी डालते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी एक कुक हो चुका है मसाला। अभी हम डालेंगे इसमें साफ करके रखा हुआ फिश। ये फिश एकदम सॉफ्ट फिश है, इसके लिए ज़्यादा इसे हिलाने का नहीं है, थोड़ा सा मिक्स करके रख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालते हैं टेस्ट के लिए और ये रेडी है खाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैम, एक दूसरा टाइप का फिश। इसे अच्छे से साफ करके बॉईल करके रखा है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कांदा और लहसुन और थोड़ा सा इमली के पानी और नारियल। तो पहले हम नारियल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं। ये अभी ड्राई रोस्ट हो चुका है। अभी ये कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रखा है और उसमें थोड़ा सा घी डालते हैं और इसमें कटा हुआ कांदा और लहसुन डालते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से गोल्डन फ्राई होते तब तक रखेंगे और खुशबू के लिए थोड़ा सा करी लीव्स डालते हैं इसमें, इससे अच्छा खुशबू आती है।
थोड़ा सा कलर आता है तब तक फ्राई करते हैं इसे। फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसमें। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी हम यहाँ पे बाफत मसाला डालते हैं। यह रेडीमेड आपको दुकान में मिलता है, एक्चुअली मिक्स मसाला है। अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा इमली का पानी डालते हैं खट्टा टेस्ट के लिए। इमली का पानी डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे मिक्स करने के बाद इसमें जो बॉईल करके रखा हुआ क्लैम्स डालते हैं इसमें। इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक डालते हैं। इसमें डालेंगे जो ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ नारियल। अगर आपको मसाला चाहिए तो थोड़ा और डाल सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा मसाला थोड़ा कम लग रहा है इसलिए। यहाँ पे और थोड़ा सा मसाला डालते हैं बफाद मसाला। अभी ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसे थोड़ा अभी ढक कर रखते हैं कवर करके। अब ये खाने के लिए रेडी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस रेसिपी। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।